ऐसी ये दुनिया क्यों है। फूफी जान, आपसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप हीना के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे। मेरी बात तो सुनो बेटा। मत कहिए मुझे बेटा, मत कहिए, इसलिए कि आपने कभी इसे अपनी बेटी माना ही नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था। आपके एक एक लफ्ज में जहर छुपा हुआ था हीना के लिए। क्या ये झूठ है? बोलिए क्या ये झूठ है? अकरम, अकरम, गलती इनकी नहीं, गलती तो मेरी है। मैंने ही इनके साथ जबान दराजी की। हीना, इल्जाम अपने सर पर मत लो, मत लो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। उस रोज भी जब हम लौट कर आए थे, आपने हीना के खिलाफ अपना जहर उगलने की कोशिश की थी। फूफी, उस दिन तो बर्दाश्त कर लिया था मैंने, मगर आज बात बर्दाश्त के बाहर हो गई है। अरे अरे, आप बड़ी हैं घर की, बड़ी हैं आप, अपने बड़प्पन का सबूत दीजिए, इसकी मां बनने की कोशिश कीजिए। वरना आज तक मैंने बहुत इज्जत की है आपकी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने तमीज के दायरे से बाहर आ जाऊं फूफी। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन बहुत पछताएंगी आप। अकरम प्लीज, चलो चलो प्लीज। और मेरी बात को याद रखिएगा। अकरम प्लीज। नमीरा, नमीरा, क्या है? मैंने तुम्हें चाय लाने के लिए कहा था, तुम्हें कुछ याद रहता है कि नहीं? सब याद रहता है मुझे, लेकिन आप देख नहीं रहे मैं किचन में काम कर रही हूँ। खुद आइए और ले जाइए। मैं भी तो यहाँ काम कर रहा हूँ। आप ऑफिस का काम कर रहे हैं और ये घर है, घर को ऑफिस बना के रखा है आपने। देखो नमीरा, बहस मत करो, जाओ चाय लेकर आओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब तौकीर मियां। आदाब। अरे, दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं, कहीं फिर से तो झगड़ा नहीं शुरू कर दिया दोनों ने? आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, चाय फिर किसी दिन के लिए उधार रही, आज तो मैं जवाब सुनने के लिए आई हूँ। जवाब? कैसा जवाब? भूल गई मेरी बहन को अपनी भाभी बनाने की बात? वो बात तो याद है मुझे। तो समीर को पसंद आई? मेरा मतलब है, तुमने तस्वीर दिखाई समीर को? वो तस्वीर? हाँ, मेरी बहन की तस्वीर मैंने तुम्हें दी थी समीर को दिखाने के लिए। नमीरा, कितना अच्छा होना अगर हम रिश्तेदार बन जाए। क्यों तौकीर मियां, क्या ख्याल है आपका? जी, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में? अरे वही जो कहना चाहिए, क्या हमारे घर की बेटी इस लायक नहीं कि वो नमीरा की भाभी बन सके? जी, अब आप मुझे इस मामले से दूर ही रखें तो अच्छा होगा। चलिए, आपको अपने साले साहब की परवाह नहीं, न सही, मगर नमीरा तुम क्या कहती हो? मैंने तो पहले भी कहा था, फैसला समीर को करना है। तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या कहा समीर ने? फिलहाल उसका शादी का कोई इरादा नहीं है। भाई, हमें भी कौन सी जल्दी है, हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। पर हाँ, एक बात कह देती हूँ, मेरी बहन जैसी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मुझे याद है आपने उसके कितने गुण गिनवाए थे। समीर को याद कराओ तो जानू कि तुमने एक पड़ोसी होने का हक अदा किया। अच्छा तो चलो। जी, कहो तो अगली बार लड्डू लेती हूँ। लड्डू की पहल तो लड़के वाले करते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तो चाय के साथ साथ लड्डू भी उधार रहा, तो चलती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़ तौकीर मियां। खुदा हाफिज़। क्या जरूरत थी उसे आस दिलाने की? साफ इनकार नहीं कर सकती थी? तो क्या कहती मैं उससे? फिर वही बात, जिस तरह से मैंने अपना दामन छुड़ा लिया, तुम भी उसी तरह से इस मामले से खुद को दूर करने के लिए साफ कह देती ना। अगर उसकी बहन में इतने ही सारे गुण हैं, तो वो समीर से रिश्ता करने के लिए इतनी मोहताज क्यों होती, ये सोचा है तुमने कभी? और मेरे मना करने के बावजूद तुम पहुंच गए समीर के पास उसकी बहन की तस्वीर लेकर। समीर ने आज तो इनकार कर दिया, कल वहां भी कर देगा। अरे क्या भरोसा है उसकी फितरत का? लेकिन कल कोई गड़बड़ हो गई नमीरा, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि एक बहन अपने भाई की फिक्र करे? तुम इस घर की फिक्र करो, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत लापरवाह होती जा रही हो। क्या लापरवाही बरती है मैंने? बबलू की मार्कशीट देखी है तुमने, कितने कम मार्क्स आए हैं उसके। तुम उसकी माँ हो नमीरा, ये देखना तुम्हारा काम है कि वो होमवर्क टाइम पर करता है या नहीं,
ट्यूशन टाइम पर जाता है या नहीं, उसके टीचर्स उसे क्या रिमार्क्स देते हैं ये देखना तुम्हारा काम है। क्यों, आप भी तो उसके बाप है, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं ऑफिस का काम संभालू नमीरा या घर के काम संभालू? तो मैं घर का काम संभालू या बबलू की पढ़ाई का ध्यान रखू? ठीक है, अगर तुम्हारे पास उसके लिए वक्त नहीं है तो फिर एक ही रास्ता है, मैं उसका दाखिला हॉस्टल में करवा देता हूँ। ये क्या हो जाता है आपकी लड़ली को? ये किसकी बात कर रहे हैं आप, नमीरा की? बिल्कुल। क्या किया उसने? वही तौकीर के साथ लड़ना, झगड़ना, बहस करना। या अल्लाह, ये आपको किसने बताया? खुद नमीरा ने फोन करके मुझे बताया। अगर नमीरा ने बताया है तो क्या गलती तौकीर की नहीं हो सकती? और फिर वो हमें नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? क्या कहा उसने? अब वो यहाँ आ रही है, खुद पूछ लेना उससे। फिर से एक नई मुसीबत आ गई है, पता नहीं खुशियों को क्या बैर हो गया है इस घर से। एक पल तो लगता है कि सब ठीक हो रहा है, ठीक होता जाएगा, और दूसरे पल हालात के तेवर ही बदल जाते हैं। किसी की नजर लग गई है हमारे घर को। मुझे तो लगता है कि वो हिना की आहों का असर है। उस मासूम के साथ अनजाने में बहुत ज्यादतियां की हमने। अब भूल जाइए आप। नहीं नहीं भूल सकता मैं तुम्हारी बेइज्जती, और गुस्सा मुझे तुम पर भी आ रहा है ना। अरे वो भी तुम्हें जलील करती है और तुमने कुछ कहा ही नहीं, क्यों है ना, किस लिए? जब तुम्हारी कोई गलती नहीं तो फिर सहना क्यों, और तुमने मुझे भी कुछ कहने नहीं दिया। अच्छा ही किया मैंने, वरना पता नहीं बात कहां से कहां बढ़ जाती। बढ़ती है तो बढ़ जाए, मुझे परवाह नहीं। हिना, अगर मुझे परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और क्या हमने फूफी को इसलिए इस घर में रोक रखा है कि वो तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करे? देखिए वो बड़ी है, अगर दो बातें कह भी दी तो कौन सी आफत आ जाएगी? यार देखो, सहने की आदत तुम्हें होगी लेकिन हर किसी से तुम्हें उम्मीद नहीं कर सकती। तुम्हारे दिल को कोई ठेस पहुंचाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो एक पल भी नहीं रहूंगी मैं यहाँ, यहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। दर पर आए किसी मांगने वाले को भी कोई इस तरह नहीं फटकारता। खुदा बचाए ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से। तोबा तोबा, एक भाई के घर में बहन की ये दुर्गत, अब तो मेरी जूती भी नहीं रहेगी यहाँ। पापा ये क्या कह रही हैं आप? कौन है इस घर में जो आपको अपना नहीं समझता? सरफराज, ये सब तुम मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा है, मैं जा रही हूँ बस। ये आपका अपना घर है, आप यहाँ से नहीं जा सकती। देख ली कितनी अपनाइयत है मेरे लिए यहाँ, और नहीं देख सकती मैं। आपा, कौन है इस घर में जो आपको अपना नहीं समझता, जरा बताइए तो सही। क्या कर लोगे जानकर? कमाल करते हैं आप पापा, आपकी तौहीन हो और मैं बर्दाश्त कर दूं। नाम तो बताइए उसका। इस घर में और कौन रहता है क्या तुम नहीं जानते? जानता हूं आपा, और इसी बात पर तो हैरत है, अकरम और हिना आपके साथ बदसलूकी कैसे कर सकते हैं? बस उमड़ आई ना मोहब्बत अपने बेटे और बहू के लिए। डायन भी एक घर छोड़ देती है, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ बहन, क्या अपने ही भाई की खुशियां निकल जाऊंगी मैं? आपा, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, मुझे तो आपसे ऐसी उम्मीद भी नहीं है। तो फिर मत पूछो मुझसे किसने क्या कहा, वरना तुम्हारे घर की खुशियां लुट जाएंगी। आपा, हिना और अकरम मुझे जितने अजीज हैं, आप भी उतनी अजीज हैं। अगर अकरम मेरा इकलौता बेटा है तो आप भी तो मेरी इकलौती आपा हैं। ये प्यार दुलार की बातें छोड़ दो सरफराज, मुझे जाने से मत रोको। क्या मैंने इसी दिन के लिए आपको रोका था? मैंने तो सोचा था आपा, आप इस घर में बड़ी बनकर रहेंगी, घर में कोई बुजुर्ग रहे तो घर का माहौल ठीक रहता है, इसीलिए तो सारी जिम्मेदारियां मैंने आपके सुपुर्द की थी। और आज सरफराज, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और अगर आप यहां से चली गई तो मुझे आपसे शिकायत रहेगी। मुझे मजबूर ना करो सरफराज, मेरी गैरत अभी तक मरी नहीं, जिल्लत का बोझ उठाकर मैं यहां नहीं रह सकती। फिर वही बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप बता नहीं रही हैं, आखिर आपसे किसने क्या कहा? क्यों राई का पहाड़ बनाने पर तुले हो सरफराज? अपने दफ्तर का नंबर तो बता देना।
अभी जाबिर को फोन करके बुला लेती हूँ। जैसा भी हो हम माँ बेटे रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर ही लेंगे, मगर इज्जत से जिएंगे। इतने दिन तुम्हारे घर की रोटी तोड़ी है, इसका एहसान तो नहीं चुका सकती, मगर शुक्रिया जरूर कह सकती हूँ। नंबर बताओ। आप फोन दीजिए, दीजिए। देखो आपा, आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपसे आपके मरहूम शौहर का वास्ता देकर पूछूं। सरफराज, बेहतर यही होगा कि तुम जाकर अपने बेटे से पूछो। इसके आगे मैं ना कुछ सुनना चाहती हूँ ना कुछ कहना चाहती हूँ। जब से तुम्हारे अब्बू ने बताया है मैं बेचैन हो जा रही हूँ कि आखिर हुआ क्या, किस बात पर अनबन हुई तौकीर से? अम्मी, तौकीर ने मेरे साथ फिर से पहले जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया है। पर इस बार बेटी कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना, वरना तौकीर का घर फिर से छूट जाएगा तुमसे। और अब हीना भी तो नहीं है जो तुम दोनों में समझौता करा सके। अम्मी, अब मुझसे तौकीर की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो बबलू को हॉस्टल में भर्ती करवाने पर तुले हुए हैं, अपना गुस्सा उस पर उतार रहे हैं। अब ये उनकी जाति नहीं तो और क्या है? फिर भी बेटी तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हाँ, आप लोग हमेशा मुझे क्यों कसूरवार ठहराते हैं? कोई तौकीर से जाके क्यों नहीं पूछता कि उनकी गलती क्या है? नमीरा, क्या बात है, इस तरह अपनी अम्मी से ऊंची आवाज में बात कर रही हो तुम? हुआ क्या है? आप अंदर आइए, अब्बू आए हैं। अकरम, आपा नाराज क्यों हैं? नाराज होने को उन्हें कोई हक नहीं है अब्बू, क्योंकि सारा कसूर उन्हीं का था। कसूर और आपा का? जी हाँ, मैंने उनसे जो कुछ भी कहा कुछ गलत नहीं कहा अब्बू। लेकिन ऐसा तुमने उन्हें क्या कह दिया है जो वो घर छोड़ने का फैसला कर चुकी हैं? वो घर छोड़ के जा रही हैं? हाँ, और अकरम तुमने ये ठीक नहीं किया। अबू, अबू हिना को पिछली जिंदगी में जो बेइंसाफियां सहनी पड़ी, क्या इन्हें वो इस घर में भी सहनी पड़ेगी? कम से कम मैं इनके साथ कोई बेइंसाफी होने नहीं दूंगा अबू। और अबू मैं जानता हूं, अब मैं जानता हूं कि आप भी इन्हें खुश देखना चाहते हैं। मेरी बीवी है ये और उनका मैं मुहाफिज हूं। अकरम, ऐसा क्या हुआ है जो आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो? अबू, फूफी जान बिला वजह इन्हें डांटने लगी, इनसे इस तरह की बातें करने लगी जैसे जैसे कोई कोई दुश्मनी का इंतकाम दे रही हो इनसे। अकरम, ये बातें तुम्हें खुद हिना ने बताई? अबू, ये बात आप भूल जाइए कि हिना कभी मुझसे ऐसी बात बताएंगी। मैं खुद वहां पर था, मैंने देखा सुना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में। देखो अकरम, इस वक्त गुस्से पे काबू करके हमें इस मसले को हल करना चाहिए। वो घर छोड़कर जा रही हैं और हमें किसी भी कीमत पे उन्हें रोकना चाहिए। आपा की गलती है या नहीं वो तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन इस वक्त उनको रोकना जरूरी है और एक काम तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम। कुछ सुना आपने? तौकीर बड़ी ज्यादती कर रहे हैं बबलू के साथ, उसे हॉस्टल में रखना चाह रहे हैं। क्या, हॉस्टल? हाँ अबू, वो मुझसे मेरी औलाद को दूर कर देना चाहते हैं, मेरी ममता को कुचल देना चाहते हैं। ये तो ठीक नहीं है। आओ। हाँ।
मैं बात करूंगा तौकीर से, उसे समझाऊंगा। लेकिन बेटा पहल तुम्हें करनी होगी, उसे समझाओ कि बबलू तुम दोनों की इकलौती औलाद है और अपनी इकलौती औलाद को दूसरों के रहम करम पर छोड़ना कहां तक मुनासिब है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए। बेगम हम जल्दी नहीं आए बल्कि आप देर से आ रही हैं। कहाँ रह गई थी आप? अब क्या बताऊं। बेगम खैरियत तो है, बहुत थकी थकी लग रही हैं। यूं लग रहा है जैसे आप कार से नहीं बल्कि पैदल चलकर आई हैं कॉलेज से। पूछिए मत, आज बड़ी हैरत हुई। क्या हुआ बेगम? मेरी एक स्टूडेंट है, उस बेचारी की सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती है। आज तंग आकर उसने कॉलेज की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। ला हौल वला कुव्वत। फिर क्या, उसे हॉस्पिटल ले गए, पुलिस केस हुआ, बड़े झमेले हुए। ओफो, आप कैसी है बच्ची? अल्लाह का शुक्र है खतरे से बाहर है। खुदा गारत करे उन औरतों को जिनके दिल में ममता नहीं होती। सुनिए, मुझे तो अपनी हीना की तरफ से भी डर लगने लगा है। मैं समझा नहीं। मैंने शायद आपको कभी बताया नहीं लेकिन हीना की फूफी सास भी उसे बहुत सौतेलेपन का सलूक करती है। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे लगता है कि ये आपकी गलत फहमी है बेगम। खुदा करे गलत फहमी ही हो लेकिन मुझे वो पल हमेशा याद रहता है जब उन्होंने बड़े जहरीलेपन से हीना के तलाकशुदा होने की वजह पूछी थी। या अल्लाह, फिर तो हमारी बच्ची पर बिजली टूट पड़ी होगी। यकीनन गिरी थी। उस वक्त तो मैंने उसे बहला लिया और खुद भी बहल गई लेकिन आज के वाकये ने मेरा सुकून छीन लिया है। अल्लाह अल्लाह रहम करे, खुदा करे कि ये आपका वहम हो। आपा आपा मेरी बात तो सुनिए। कहा सुना, माफ कर देना सरफराज, हम जा रहे हैं। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे हमारे साथ। मुझे जलील करने में अभी कोई कसर बाकी हो तो पूरी कर लो, मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारे अरमान बाकी रह जाएंगे। आपा झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप घर ही छोड़कर जाएंगे। जिस घर में मेरी कोई इज्जत ही ना हो वहां कैसे रहूं मैं? इसने तमाचा मारा है मुझे। तमाचा? और इन्होंने? ये क्या कह रही हैं आप फूफी जान? तमाचा सिर्फ हाथों से नहीं लफ्जों से भी मारा जाता है। तुमने नीचा दिखाया मुझे, वो भी बहू के सामने। ये दिन देखने से पहले मौत क्यों नहीं आ गई मुझे? अम्मा मरने की बात मत करो वरना मैं रो दूंगा। जाबिर बेटे तुम ही समझाओ ना अपनी माँ को। देखो आपा, अकरम की तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। फूफी जान जो हुआ उसे भूल जाइए, आप मुझे बेटा कह दिए ना, तो क्या आप अपने बेटे को माफ नहीं करेंगे? दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे, किस दिल से माफ करूं मैं तुमको? चलो बेटा, इज्जत के लिए लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, क्या हम ये घर नहीं छोड़ सकते? फूफी जान। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.